नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एस एस ए ट्वेंटी फोर सैन ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूं पढ़ने पढ़ाने की इस प्यारी सी जबरदस्त महफिल में तो चलो मेरे जल्दी से प्यारे साथियों आप एक बार जल्दी से लाइव सेशन में आ जाओ फिर मैं जो क्लास की शुरुआत करूँगा बड़ा प्यारा सेशन होगा हर दिन की तरह आज भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ आप जो आज की इस क्लास से जो लाड लो सीखने वाले हो तो जल्दी से साथियों फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ एक बार सारे बच्चे जो है बेटा वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो फिर क्लास की शुरुआत करेंगे बेटा वेरी गुड इवनिंग दोस्तों प्रणाम बढ़िया रहो खुश रहो सभी बच्चों को बेटा राधे राधे अच्छे रहो खुश रहो बेटा गुड इवनिंग बेटा जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग दोस्तों हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर थैंक यू वेरी मच बेटा अच्छे रहो खुश रहो आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा परमपिता परमेश्वर से कि प्रभु आपको जल्दी से जल्दी जीवन में जो कामयाब करे और जो आपका सपना है उसको साकार करने में आपकी मदद करे प्लस आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए जिससे कि आप एक अच्छे नागरिक बन सके और आप अपने माता पिता का जो सपना है उसको साकार करें चलिए बेटा जी नमस्ते बेटा जी नमस्ते गुड इवनिंग सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा आज के इस पावन दिन पर पावन काम करने में समझ रहे आज का दिन बड़ा पावन है बेटा समझ रहे आज का दिन बहुत पावन दिन है बड़ा प्यारा दिन है और आज के इस शुभ दिन में हम जो एक शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं क्या आपने सीखने की सीखेंगे क्या बेटा हर दिन की तरह वो कैब सीखते चल रहे हैं हम हमारी थ्री थाउजेंड वर्ड्स की सीरीज चल रही है और जिस बच्चे ने थ्री थाउजेंड वर्ड्स की सीरीज कंप्लीट कर ली समझ लो उसका बेड़ा पार है उसे कोई दिक्कत जो नहीं आने वाली दोस्तों चलो मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच बेटा थैंक यू वेरी मच बेटा थैंक यू वेरी मच आप सभी अच्छे रहो खुश रहो बिंदास रहो जीवन में हमेशा आप मुस्कुराते रहो आपके पास इतनी खुशियां आए कि जो भी कोई आपको देखे उसको समझ में ही ना आए कि बंदा हर टाइम इतना खुश कैसे रह पाता है चलो बेटा जी चले लाडलो कर क्लास की शुरुआत बेटा बेटा जी कब से स्टार्ट हुआ मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच अभी दो तीन दिन पहले ही शुरुआत हुआ लाडले चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा थैंक यू वेरी मच लाडले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार यूं ही बना रहे प्लस आपका जो ये भरोसा है इसको मैं किसी भी कीमत पर बेटा टूटने नहीं दूंगा आपको पक्का इस बार जो बेटा सफल करवाएंगे और 100 परसेंट सफल करवाएंगे इस एम की वैकेंसी के अंदर सबसे जो बेटा मेन रोल है वो आपकी इंग्लिश का है ठीक है बेटा अब आपकी इंग्लिश चाहे कितनी भी कमज़ोर हो आप भले ही बेटा किसी बैकग्राउंड से आ, मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसे भी हो आपका आ, मतलब सराउंडिंग्स आपकी कैसी भी रही हो क्योंकि हमारी जो इंडिया के अंदर कल्चर है ना बेटा स्पेशली जो गाँव वाले बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बेहद कमज़ोर होती है और उनको इंग्लिश के जो बेसिक्स होते हैं वो भी क्लियर जो नहीं हो पाते तो बेटा ध्यान रखना मैं भी गांव से ही आता हूं मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं जिस संघर्ष की राह पे अभी आप चल रहे हैं मैं उस संघर्ष की राह में कहीं ना कहीं काफी समय तक चल चुका तो इंग्लिश के साथ बेटा मेरा भी बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा मैंने भी बिल्कुल चीजों को जीरो से ही सीखा है ट्वेल्थ के बाद समझने लाड ले तो मैं भी आपको जो है उसी तरीके से एकदम जीरो लेवल से लेकर लाड लो टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा और वो पढ़ाऊंगा बेटा जो आपको समझ में आएगा प्लस बेटा पेपर में आएगा समझ रहे वो नहीं कि जो पेपर में तो आएगा लेकिन आपकी समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए इंग्लिश की जिम्मेदारी आपके भाई की है मैं कराऊंगा सारी चीजें मैं बैठा हूं आपके लिए ठीक है लाड लो चलो क्लास की बेटा शुरुआत कर रहा हूं क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको दो जानकारी दे दूं बेटा जी कि जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बेटा थ्री थाउजेंड वर्ड की सीरीज है ठीक है ये थ्री थाउजेंड वर्ड की सीरीज जो अलाडल ये मैंने करी है शुरू थ्री हंड्रेड वर्ड से समझ रहे हैं मैं थ्री हंड्रेड वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन हर एक शब्द के जो ऑप्शन होते हैं वो भी पढ़ाता हूँ ऑप्शन से रिलेटेड जितने ग्रामर के कंसेप्ट बन सकते हैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ तो बेटा ये जो थ्री हंड्रेड वर्ड्स की लाडली सीरीज है ये मैंने आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी है लाडले तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा इंस्टॉल कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा मेरे दोस्त आप उस कम्युनिटी पर जाकर के इंग्लिश बाई शानू सर की जो मेरी कम्युनिटी है जिसे हम नॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं उसको बेटा फॉलो कर लीजिएगा बाकी फिर मेरी जिम्मेदारी है आपकी समझ रहे जितना मैं कहूं जैसा मैं कहूं ऐसा करते चलो लाडले दो महीने का समय आप मुझे दे दो हंड्रेड परसेंट बेटा कह के दूंगा ठीक है लाडले चलो क्लास की बेटा शुरुआत करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वोकेबलरी स्पेशल सेशन है हर दिन की तरह आज भी भयंकर प्रहार हम जो अपनी वोकैबलरी पर करने वाले हैं तो चलिए करता हूं बेटा अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं बेटा जी अपनी क्लास की शुरुआत ठीक है जी चलो ये तो यार यार्ड सेकंड एक सेकंड मेरे दोस्त एक सेकंड रुकिएगा। सारी पीट पीट हमारी तो डिस्टर्ब सी लग रही है कुछ एक मिनट का टाइम लूंगा बेटा एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट भाई हुआ क्या ये समझ में नहीं आ रहा कुछ चल रहा क्या बेटा एक सेकंड रुकिएगा आप सारे बच्चे ये पीपीटी में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है मैं दोबारा से इसको ओपन कर देता हूँ फोन चेंज हो गया खैर जो भी रहा बेटा जी हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्त हम जो बेटा जी अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जो हमारी बातें चल रही थी हमारी जो बेटा जी बात चलनी है

बेटा जी कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें लास्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा था लाडले पेल पढ़ा था क्या पढ़ा था बेटा जी हमने पेल वर्ड को जो क्लियर किया था कल की जो हमारी क्लास थी लाडले उसमें हमने क्या वर्ड क्लियर कर दिया था पेल क्लियर किया था आप याद करो मैंने पेल के बारे में आपको बताया था कि पेल यानी कि बेटा बाल्टी पेल क्या होता है बेटा जी बाल्टी होता है और आपको पेल के बारे में और भी एक्स्ट्रा जानकारी दी थी मैंने कि भाई पेल क्या है बाल्टी है पेल क्या है बेटा जी बाल्टी होती है पेल इट्स मीन्स लाडले क्या हो गया बाल्टी ठीक है बाल्टी को बेटा जी आपने क्या साइनो बना दिया था बताओ जल्दी से बकेट और पेल के साथ बेटा मैंने एक वर्ड और पढ़ाया था आपको पेल पेल के साथ बेटा एक शब्द आपको एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया था उस वर्ड को भी आप बेटा जी याद करने कोशिश करो एक सेकंड रुकना यार ठीक है पेल के साथ बेटा मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया था दैट इज बेटा पी एल पेल पेल का मतलब क्या होता है लाडले पीला होता है पेल का मतलब क्या हो जाता है बेटा जी पीला होता है कॉन्टेनर हो गया आपका मग हो गया वेजल हो गया ये बेटा बिल्कुल अलग वर्ड है ठीक है जी चलिए और आगे बेटा जी बढ़ जाते हैं ये आपकी पेल की मैंने एक इमेज कैरी करी थी और जो हमने कल बेटा लास्ट वर्ड पढ़ा था वो था लाडले हमारा कॉन्डोन क्या शब्द था बेटा जी हमारा वर्ड था लाडले कॉन्डोन अब इस कॉन्डोन वर्ड पे हमें जो बेटा एक्स्ट्रा काम करना होगा आज की जो बेटा पूरी पूरी क्लास होने वाली है इस कॉन्डोन पे हमें एक्स्ट्रा बात करनी होगी देखिए दोस्तों जब भी कभी बात आएगी लाडले कॉन्डोन की तो कॉन्डोन तो आप इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करो जल्दी से सोचो मनी मन में क्या आप कर सकते हैं सोचो बेटा कौन डोन के लिए बेटा आप क्या सोच सकते हैं क्या इसमें क्या आवाज आ रही है बेटा जी कौन डोन आप सोचो कौन है भाई डोन यहां पे कौन है भाई डोन यानी कि आप क्या कर, कर रहे हो बेटा इग्नोर कर रहे हो किसी को यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हो किसी को इग्नोर कर रहे हो यानी कि आप कौन डोन कोई इज्जत ही नहीं दे रहे समझ रहे यहां पे जो डोन है उसको आपने कोई इज्जत ही नहीं दी यानी कि क्या हो गया कौन डोन अरे कौन डोन यहां का ठीक है तो बेटा क्या हो गया आपका इग्नोर होगा ओवर लुक होगा फोर होगा या फोर होगा बताओ बेटा जल्दी से तो परफेक्ट आंसर आपका सीधा सीधा हो गया लाडले क्या ओवरलुक क्या हो गया बेटा जी आपका ओवरलुक हो गया इसी के साथ क्या है हमारे सामने? क्या शब्द है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने वर्ड आ गया इनक्टिव बताइए क्या होगा आपका इनक्टिव सोच करके आंसर दीजिएगा लाडले जल्दी से बताओ इनक्टिव क्या होने वाला है बेटा जी इनक्यूजिटिव सीधा सा वर्ड है लाडले जल्दी से बताओ

क्यूरियस का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त आपका जिज्ञासा हो गया तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बेटा जिज्ञासा यानी कि जिज्ञासु इंसान को आप साइनो में क्या लेकर क्या आओगे कोऑपरेटिव या फिर बेटा आपका अनसिमपैथिक कोऑपरेटिव होगा बेटा आपका अनसिमपैथिक होगा या क्या हो सकता है बेटा जी कहां गया हमारा वीडी रहा ये आज हुआ क्या हमारी पीपीटी को यार चलिए जी ठीक है ये क्या बेटा आपका अनसिंथेटिक हो गया या फिर लाडले आपका इनडिफरेंस होगा बताओ बेटा जी आपका क्या होने वाला है लाडले जल्दी से आंसर बताओ बेटा जी क्या हो सकता है आपका आपका सोच करके आंसर आंसर दो बेटा क्या आंसर हो सकता है तो आपने देखा भाई यानी कि बेटा क्या हो गया जिज्ञासु इंक्टिव क्या है बेटा जी जिज्ञासु जब जिज्ञासु तो बेटा इसके लिए क्या आएगा आपका इंट्रूसिव इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है बेटा इंट्रूसिव का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बात बात में जो दखल दे चीजों में यानी कि सीखने का प्रयास करें समझ रहे जो नई चीजों को सीखने का प्रयास करे बीच बीच में दखल दे रहा हो चीजों को रोक ले रहा हो तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा इंट्रूसिव इंट्रूसिव क्या बोलोगे बोलोगे लाडले ऐसे इंसान को आप उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई क्या बोलोगे बेटा आप इसको इंट्रूसिव गॉट इट इसी के साथ लाड अनसिंपैथिक यानी कि जिसके अंदर सहानुभूति ना हो इंडिफरेंट बेटा उदासीन होता है और कॉपरेटिव जो सबको साथ लेकर के चले उसे हम क्या बोलेंगे बेटा कॉपरेटिव बोलेंगे जो सबको साथ लेकर चले बेटा उसे क्या बोलोगे आप कॉपरेटिव बोलने वाले हो चले दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, है क्या है आपके सामने? क्या है मेरे प्यारे बच्चों के आंसर दो बेटा वर्ड क्या आपके सामने लाडले डायलेट डायलेट बड़ा गजब का शब्द है डायलेट डायलेट का मतलब होता है बेटा विस्तार करना डायलेट का मतलब क्या होता है बेटा जी विस्तार करना डायलेट इट्स मीन लाडले विस्तार करना अब अगर बेटा विस्तार करने की आपने बात करी किसकी बेटा विस्तार करने की तो विस्तार करने को बेटा आप क्या बोलोगे बोल लाड ले एन लार्ज एक्सपेंड के साथ बेटा आप इसको क्या बोल सकते हो एन लार्ज भी आप जो यहां पे इसको बोल सकते हो क्या बोल सकते हो बेटा जी आप इसको एन लार्ज भी आप बेटा इसको बोल सकते हो ठीक है जी एक्सपेंड हो गया आपका एन लार्ज हो गया आपका लाडले

जब कोई इंसान परेशान हो जाए तो उसी को हम बेटा जी क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेट बोलेंगे इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा आपका रोटेट हो गया रोटेट तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है, समझ रहे? तो सिंपल -सिंपल सा है करने को क्या बोला आपने एक्सपेंड एक्सटेंड या फिर बेटा एनलार्ज एक्सटेंड एक्सपेंड या फिर लाडले एनलार्ज गॉट इट सिंपली बेटा वर्ड था हमने आसानी से कर लिया

क्या बोलेंगे बेटा जी पब्लिक कर देना अब आपने इसे पब्लिसाइज किया यानी कि बेटा बेटा आपने आपने इसकी इसकी क्या क्या कर 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 दी क्या कर दी जी? आपने इसकी कर दी दी घोषणा घोषणा जी तो पब्लिसाइज का मतलब क्या होता है लाडले घोषणा करना पब्लिसाइज का मतलब था था क्या होता है लाडले घोषणा करना अब घोषणा करने को क्या बोलोगे साइलेंस चुप नहीं लाडलो विध होल्ड यानी कि पीछे हटना विदहोल्ड क्या होता है बेटा जी पीछे हट जाना विदहोल्ड क्या हो जाता है बेटा आपका पीछे हट जाना इसी के साथ लाडले डेसी डेसी में बोलोगे आप इसको या फिर लाडले प्रोमुलगेट बोलोगे

डेसिमिनेट का मतलब क्योंकि बेटा प्रचार करना और इसी के साथ लाडले जो आपके सामने वर्ड uh, है प्रोमल्गेट क्या वर्ड है बेटा आपके सामने प्रोमल्गेट प्रोमल्गेट का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से लागू कर देना इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी लागू करना अब आप सोच करके आंसर दीजिए वर्ड क्या है बेटा हमारे सामने पब्लिशाइज यानी कि आपने किसी चीज की घोषणा कर दी तो बेटा घोषणा करने का परफेक्ट साइनो हो क्या होगा भाई साइलेंस नहीं हो सकता आपको पता है विद होल्ड यानी से चीजों को रोक लेना ये भी नहीं हो सकता आंसर बेटा आपका क्या होगा डेसिमिनेट होगा लाडली या फिर आपका प्रोमिलगेट होगा सोच करके आंसर दो मेरे दोस्त जल्दी से आंसर करो क्या होगा डेसिमिनेट या फिर बेटा प्रोमिलगेट जल्दी से आंसर वेरी गुड सी 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 अरे मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है भाई घोषणा की यानी कि चीजें आपने लागू कर दी आंसर विल बी ओर ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रख लो पब्लिसाइज यानी कि भाई आपने चीजों को पब्लिकली अनाउंस कर दिया इट्स मींस बेटा घोषणा करी घोषणा कर दी यानी कि बेटा तुमने चीजें लागू कर दी और लागू करने को लाड ले क्या बोलोगे आप प्रोमुलगेट क्या बोलने वाले हो प्यारे बच्चों आप बोलोगे प्रोमुलगेट चलिए और आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नेक्स्ट वर्ड पर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड पर बेटा जी बात कर लेता हूँ बताओ जल्दी से नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो सकता है नेक्स्ट वर्ड बेटा जी

क्या बोल सकते है? हैं लाडले हम इसको प्रोस्पर, भी बोल सकते हैं। प्रोस्पर का मतलब भी होता है बेटा बढ़िया से विकास करना क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िया से विकास करना दैट इज बेटा प्रोस्पर. प्रोस्पर के साथ और क्या बोलो ब्लूम एक गजब का शब्द बेटा ब्लूम ब्लूम को याद रखो बेटा कि तुम्हारा आ गया बूम और तुमने कर दिया ब्लूम तुमने क्या कर दिया बेटा बूम कर दिया समझ रहे भाई जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी उस दिन आपकी फैमिली क्या करेगी एकदम बूम करेगी क्या करेगी बेटा बूम करेगी तो बूम से क्या हो गया लाडले ब्लूम ब्लूम का मतलब भी क्या हो गया लाडले कहीं ना कहीं विकास करना अब विकास करना यानी कि स्प्राउट एस पी आर ए यू टी स्प्राउट का मतलब भी होता है लाडले फलना फूलना चीजों का विकास होना दैट इज लाडले स्प्राउट क्या होगा बेटा आपका स्प्राउट उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है स्प्राउट मतलब तुम फलने फूल तो इसमें भी आप ला सकते हो बेटा एन लार्ज क्या ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों आप एक वर्ड ला सकते हो दैट इज क्या ला सकते हो मेरे दोस्त enlarge आप जो आसानी से ला सकते हो वर्ड क्या सीख रहे हो बेटा थ्राइव क्या शब्द सीख रहे हो बेटा थ्राइव थ्राइव से भूल मत जाना एक बिल्कुल इसी के जैसा चचेरा भाई है इसका थ्रिफ्टी याद आ रहा है बेटा अरे मेरे प्यारे दोस्त थ्रिफ्टी वर्ड याद आ रहा है नहीं आ रहा थ्रिफ्टी साउंड लाइक थ्री अरे याद करो बेटा

जल्दी से बेटा थ्रिफ्टी के कमेंट बॉक्स में साइनोनियम तो बताओ इसी के साथ बेटा डेस्ट्रो यानी कि बेटा विनाश कर देना राइज यानी कि बेटा उठाना और क्रिएट यानी कि लाडले कुछ नया बना देना क्रिएट यानी कि लाडले कुछ ना कुछ नया बना देना वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चों का आंसर आने शुरू हो गए थ्रिफ्टी को क्या क्या बोलोगे बेटा फ्रूगल क्या बोलोगे लाडले फ्रूगल पार्सिमोनियस क्या बोलोगे बेटा पारसी मोनियस के साथ क्या बोलोगे पेनी वाइज का मतलब क्या होता है जो जो एक एक दमड़ी को जो बड़ा समझदारी से खर्च कर, उसे बोलते हैं बेटा बेटा पेनी पेनी वाइज वाइज क्या बोलेंगे बेटा? आ, बोलेंगे ठीक है इकोनॉमिकल प्रूडेंट वाइज सारे सारे शब्द इसके भी हम कैरी कर सकते हैं इसका उल्टा क्या था जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है क्या बोलते हैं उसको उससे बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट क्या बोलेंगे बेटा स्पेंड थ्रिफ्ट ठीक है ना तो ये सारे सारे शब्द भी इधर आ जाएंगे चलो और आगे बढ़ो जल्दी से

बताओ बेटा जी परफेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है मानसिक परेशानी है तो क्या हो गया आपका एगोनी क्या हो गया लाडले आपका एगोनी हो गया समझ रहे हैं क्या हो गया लाडले एगोनी एगोनी का मतलब भी क्या होता है लाडले यातना यातना का मतलब क्या हो गया एक तरीके से पीड़ा परेशानी जब जान के आप किसी को परेशान करो तो वो हो गया आपकी एगोनी अब यहीं से लाडले एक वर्ड हमारा निकलता है एगोरा क्या निकलता है बेटा एगोराफोबिया एगोराफोबिया बेटा ये शब्द बहुत निकलता है आपने इसमें नोटिस किया इसमें क्या है बेटा एगोरा आ गया और एक वर्ड आ गया बेटा फोबिया फोबिया तो आप सभी जानते हैं भय होता है समझ रहे जब लिमिट से ज्यादा भय हो जाए तो उसे फोबिया बोलोगे और जो बेटा एगोरा फोबिया एगोरा रूट आता है बेटा क्लस्टर के लिए समझ रहे कि जब एक ऐसा इंसान यानी कि एक ऐसा भय जिसमें कि इंसान को भीड़ से डर लगना शुरू हो जाए समझ रहे इंसान को भीड़ से डर लगना शुरू हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भीड़ में गुम जाऊं मैं इस भीड़ में कहीं खो जाऊं इस तरह का जो भय होता है बेटा उसे बोलते हैं एगोरा फोबिया क्या बोलते हैं लाडले उसको हम बोलते हैं

एंग्री पीपल लाडले क्या बोलोगे ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल की जो गुस्साए हुए लोग हैं यदि उनका समूह मिल जाए तो उसे बोलते हैं बेटा मोब यानी कि एक तरीके से तो विद्रोही समझ रहे दंगाई इनको मैं क्या बोलूंगा बेटा दंगाई अब ध्यान रखना लाडले अगर कहीं पे भी एग्जाम में आपको एंग्री मोब देखने को मिल गया तो बेटा ये वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि एंग्री का यूज आप मोब के पहले नहीं कर सकते ये लाडले सुपरफ्लस हो गया यानी कि आपने आवश्यकता से अधिक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया इससे हमारे सेंटेंस में बेटा रेडेंडेंस एरर बनेगी कैसी एरर बनेगी लाडले एरर बनेगी तो ध्यान रखना मैंने आपको पढ़ाया बेटा एगोनी एगोनी बना बेटा यातना एगोनी से एक वर्ड बना यानी कि बेटा भीड़ का भय भीड़ के भय में भीड़ भीड़ शब्द आया से बना बेटा मोब मोब क्या होता है गुस्साए हुए लोगों का समूह जिससे मैं बोलता हूं बेटा दंगाई समझ रहे है? अब बेटा दंगाइयों का समूह हो गया तो वो बन गया मोब मोब के पहले लाडले कभी भी कभी भी मेरे प्यारे बच्चों आप एंग्री का यूज नहीं करोगे ठीक है अब जब भीड़ आ गई जब बेटा भीड़ आ गई तो सीधी सी बात है बेटा उस राज्य में क्या फैल जाएगी अराजकता क्या बन जाएगी लाडले अराजकता और अराजकता को हम क्या बोलेंगे लाडले एनार्की क्या बोलते हैं लाडले एनार्की एनार्की का मतलब क्या होता है लाडले अराजकता इट्स मींस अ स्टेट ऑफ विदाउट एनी गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसी अवस्था जब कोई सरकार ही ना रहे समझ रहे जब कोई लोग किसी का फॉलो ही ना कर रहा हो कुछ तो बेटा वो होता है आपका एनआर ठीक है सारे के सारे ध्यान रखना जो अराजकता फैलाता है उसे एनआरकिस्ट बोल देते हैं बेटा क्या बोल सकते हैं लाडले उसको एनार्किस्ट बोल सकते हैं यानी कि जो अराजकता फैला रहा है कुल मिलाकर शब्द हमने अगोनी पकड़ा था एगोनी से हमने काफी सारी चीजें सीख ली उम्मीद करता हूं बेटा बढ़िया समझ में आ गई सारी चीजें डन डन है बेटा जी चलो और आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे लाडले नेक्स्ट वर्ड क्या आपका डिस्वेड बिल्कुल आसान शब्द है भाई बेटा बेटा क्या क्या है 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 के बिल्कुल सगा सगा भाई भाई जो है, उसे पढ़ो और इसका सगा भाई Pur -swed". Pur -swed". का करता हूं इसे का इसे मैं ठीक मतलब होता राजी करना किसी को समझ रहे है? किसी को राजी करना किसी की कुसामन करना किसी को मनाना ठीक है जब आप किसी को मना रहे हो ठीक है मना करना क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों मना करना भाई आपने मना कर दिया मैं नहीं करने वाला काम समझ रहा? आपने किसी छोटे बच्चे से बोला अरे छोटू एक कप चाय लेके वो वो अच्छा, मुझे कर दिया इसने मुझे क्या कर दिया कर दिया आपने फिर अरे बेटा सुन तो सही पे कितना अच्छा बच्चा तू मेरा बाबू है तू मेरा सोना है ये है वो है यानी फिर आपने उसको क्या करना शुरू किया परसुएट करना कोशिश परसुएट करना शुरू कर दिया समझ रहे शुरुआत में उसने आपको क्या कर, कर दिया था समझ लाडले यानी कि मना करना और यानी कि लाडले राजी करना अब जब मना कर दिया इसका साइन हो क्या होगा तो होता है, है लाडले हार्टन बोलते हैं हार्टन के साथ लाडलो क्या बोलेंगे सूत बोलते हैं बेटा सूत यानी किसी को शांत करना शांत करने को क्या बोलते हैं बेटा आप एले बोलते हो क्या बोलते हैं बेटा एले की ट्रिक पढ़ा रखी ना ओले 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 याद आ रहा है एले हो गया एलो के साथ बेटा और क्या बोल सकते हो आप

क्या आंसर हो जाएगा परफेक्ट जो आपका होगा तो वो क्या बेटा आपका सीधा सीधा डिस्करेज यानी मना करना यानी किसी को बेटा डिस्करेज करना चलो लाडले नेक्स्ट वर्ड पेट इज बेटा पुर्ज क्या वर्ड है बेटा आपके सामने पुर्ज बताओ परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा किसका पुर्ज का बड़ा प्यारा सा शब्द है लाडले गजब का शब्द एग्जाम में छपेगा बताओ बेटा पुर्ज वर्ड क्या लाडले आपके सामने पुर्ज वर्ड क्या आ रहा है बेटा आपके सामने पुर्ज बताओ जल्दी से क्या हो सकता है पुर्ज आसान शब्द है बेटा क्या बेटा बेटा पुर्ज पुर्ज का मतलब होता है बेटा शुद्ध करना का मतलब क्या होता है बेटा किसी चीज को शुद्ध करना क्या होता है बेटा बेटा जी किसी चीज को को शुद्ध शुद्ध करना अब करने क्या बोलोगे या फिर प्रेशराइज या फिर बेटा थ्रस्ट या फिर लाडले आपका फ्लॉट बड़ा गजब का शब्द है बेटा बेहद इंपॉर्टेंट शब्दों का लाडले बताओ जल्दी से क्या होगा आपका बताओ बताओ जल्दी से बेटा फ्लॉट बहुत कुछ सीखना थ्रस्ट Thrust का एक चचेरा भाई पढ़ाता हूं आपको बेटा एक तो थ्रस्ट आर आई एस टी होता है बेटा मतलब लेकिन ये क्या thrust. ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों तो मत हो जाना दोनों में फर्क है समझ रहे इन दोनों में बेटा फर्क होगा फर्क क्या है आप मुझे बताओ जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से थ्रस्ट वर्ड क्या होगा एक तो थ्रिस्ट हो गया थ्रिस्ट मैंने आपको प्यास आराम से पढ़ा दिया समझ रहे आपको कोई दिक्कत किसी को नहीं आई है लेकिन मैं पूछ रहा हूं थ्रस्ट क्या होगा सोचो 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 थ्रस्ट का मतलब मतलब तो लाडले आक्रमण ध्यान रखना बेटा थ्रस्ट का मतलब क्या होगा लाडले आपका आक्रमण हो जाएगा ठीक है प्यास प्यास है है भाई थ्रस्ट प्यास हो गया ठीक एक बड़ा रहा बेटा का मतलब क्या होता है लाडले तैरना फ्लॉट का मतलब क्या होता है बेटा तैरना अगर कोई चीज तैर रही है तो सीधी सी बात है डूबे की भी जरूर समझ रहे अगर कोई चीज तैर रही है तो डूबे की भी जरूर और डूबने के लिए बेटा दो वर्ड आते हैं एक तो लाडले आता है सिंक और एक आता है बेटा तो ड्राउन डी आर ए डब्ल्यू एन ड्रोन इन दोनों ही शब्दों का मतलब लाडलो सेम है डूबना दोनों का मतलब क्या है बेटा डूबना लेकिन ध्यान रखना दोनों में एक बहुत गजब का डिफरेंस है क्वेश्चन फंसेगा दोनों वर्ब है लाडलो जो सिंक होता है, सिंक वर्ड वर्ड होता का यूज किया जाता है यदि कोई नॉन लिविंग थिंग डूबे समझ रहे यदि कोई नॉन लिविंग थिंग डूब गई तो उसके लिए आएगा बेटा सिंक ठीक है और यदि मेरे दोस्त कोई लिविंग थिंग डूबती है यानी कि इंसान डूबता है तो उसके लिए आता है बेटा ड्रोन ठीक है है जी अगर कोई बेटा लिविंग डूबता है, तो उसके लिए आता है ड्रोन और बेटा कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो उसके लिए आता है सिंक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी भाई सिंक और ड्रोन तो याद रह जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा इंसान के लिए कौन सा जानवर के लिए तो बेटा देखो ड्रोन में क्या छिपरा है शुरुआत के दो अक्षर को उठाओ डॉक्टर डी आर रहा है बेटा डी आर किसका रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को और डॉक्टर कौन बन सकता है बेटा कोई इंसान समझे डी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डॉक्टर डॉक्टर को और और कौन बन सकता है लाडले सिर्फ और सिर्फ इंसान तो अगर इंसान डूबेगा तो उसके लिए आएगा ड्रोन और इंसान के अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग डूब गई बेटा तो उसके लिए आएगा आपका सिंक कंफ्यूज मत हो जाना पहली चीज दूसरी चीज बेटा थ्रिस्ट यानी प्यास प्यास हो गया थ्रिस्ट और बेटा ये हो गया आपका यहां अब मैं पूछता हूं आपसे कि प्यासे रह जाने के भय को क्या बोलोगे बेटा अगर कोई इंसान को लग रही है प्यास अब उसे भय की कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां पे जाऊं और मैं मेरे दोस्त कहीं ना कहीं प्यासा ना रह जाऊं तो बेटा उसे हम क्या क्या बोलते बोलते हैं डिप्सोफोबिया हैं लाडले डिप्सोफोबिया डिप्सोफोबिया लाडले ठीक है डिप्सोफोबिया समझ में रहेगा बेटा प्यासे रह जाने का भय डिप्सोफोबिया लाडले क्या हो गया, गया आपका प्यासे रह जाने का भय डन इसी के साथ बेटा अगर मैं इसी को फोबिया की जगह मैनिया कर दूं तो मैंने करा डिप्सो मैनिया तो बेटा डिप्सो मैनिया का मतलब हो आ, क्या हो गया डिप्सो क्योंकि यानी कि बेटा शराब पीने की लत डिप्सो मैनिया क्या हो गया लाडले आपका शराब पीने की लत समझ रहे बेटा एन क्रेविंग फॉर एहलकोल जब किसी इंसान को शराब पीने की लत लग जाए तो उसे बोलते हैं बेटा डिप्सो मैनिया अब यहां शराब पीने की लत लगी यानी कि किसकी बात होगी बेटा एहलकोल की किसकी बात हो गया लाडले एहलकोहल की एहलकोल की बात हुई तो आपके दिमाग में आया वाइन यानी कि शराब अब बेटा बात अगर तो शराब की आई तो ध्यान रखो शराब जहां बनती है उसे शराब की बहन है जी शराब बनी डिस्टिलरी में बियर बनी ब्रीवरी में एक ऐसा इंसान जो रोजाना शराब पीता हो बहुत ज्यादा शराब पीता हो उसे बोलते हैं बेटा टिपलर या फिर शॉट क्या बोलोगिपलर या फिर शॉट एक ऐसा इंसान जो इन सभी चीजों का बिल्कुल बहिष्कार करता हूं बिल्कुल ही टच ना करता हूं उसे बोलते टी टोटलर क्या बोलते टोटल हैं सब कुछ, सब कुछ क्या, क्या और ऐसा इंसान जो सभी मादक पदार्थों का बहिष्कार करेगा टी टोटलर जो रोजाना पिएगा आपका आ, टिपलर या फिर शोट शराब पीने के बाद जो साहस आता है शराब पीने के बाद जो बेटा साहस आता है उसे बोलते हैं डच करेज क्या बोलते हैं लाडले डच डेज धन्यवाद इसी के साथ शराब पीने की लत डिप्सो मैनिया प्यासे रह जाने का भय डिप्सो फोबिया जहां शराब बनी डिस्टिलरी। जहां स्टोर उसे सेलर क्या बोलोगे बेटा सेलर सी डबल एल ए आर सेलर यानी कि बेटा ठेका गॉट इट सारे शब्द बिल्कुल क्लियर रखते चले जाना ठीक है जी ये सारी बात हुई भाई थ्रस्ट यानी आक्रमण और थ्रिस्ट यानी कि भैया प्यास और प्यासे रह जाने का भय हो गया डिप्सो सारी चीजें क्लियर यानी कि भैया तैरना तैरेगा तो डूबेगा जरूर डूबने से दो वर्ड बनेंगे सिंक और बेटा लाडले ड्रोन, सिंक और ड्रोन। सिंक कोई लिविंग थिंग डूबना और कोई कोई डूब जाना गॉट इट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी लाडले को आओ अब बचे दो वर्डक्ट या फिर बेटा आपका आ गया प्रेसराइज बेटा यूक का मतलब होता है खाली करना क्या लाडले खाली करना गॉट इट क्या हो गया बेटा खाली करना यानी किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना खाली कर देना और लास्ट वर्ड आ रहा है बेटा आपका प्रेशराइज यानी कि किसी चीज प्रेशर डालना दबा के आप प्रेशर डाल तो परफेक्ट आंसर बेटा क्या होगा बताओ बेटा यानी शुद्ध कर दिया इट्स मीन खाली कर दिया तो आंसर विल भी बेटा ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको होगा ए उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई बताओ बेटा जी बेटा क्वेश्चन हिंदी में नहीं आ सकता लेकिन मैं आपको देखते हुए हिंदी ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 95 परसेंट बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो हिंदी बैकग्राउंड है उनकी इंग्लिश इतनी कमजोर है कि अगर यहाँ इंग्लिश टू तो इंग्लिश मैंने मेंटेन कर ली अपनी फ्लुएंसी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा मैं आपके भलाई के लिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ के आप हिंदी बना लोगे और फिर आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्लिक करोगे मैं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो समझ रहे मैं अपनी हेल्प नहीं देख रहा इसमें मैं चाहता तो इन सबको इंग्लिश टू इंग्लिश टाइप करके ले आता लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए हिंदी ज्यादा ज्यादा यूज करू जिससे कि चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में टिके समझ रहे हैं बेटा जी तो अपना थोड़ा सा बेनिफिट देखो पहले चीजों को एक बार याद करो प्रैक्टिस कराऊंगा सब चीजें इंग्लिश टू तो इंग्लिश में आगे बढ़ के धीरे धीरे जो मैं चेंज करवाता चला जाऊंगा परेशान ना हो दोस्त मेरा उद्देश्य है आपको एक एक बच्चे को क्लियर करवा के चलू चीजों को और जो है मैं एक शब्द से सत्तर चीजें बताता हूँ ना ये याद रह जाती हैं अगर वर्ड का आंसर ही बता के मैं आगे निकल गया भाई तो फिर आपको याद नहीं रहेगा फिर रटोगे तुम मैं चाहता हूं आप रटो ना आप एक चीज से दस चीजें याद करके जाओ क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उस क्वेश्चन को हंड्रेड परसेंट सही करके आए समझ रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं पास करवाऊंगा आपको और इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाऊंगा तो मैं उस तरीके को चुन रहा हूं बेटा जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं समझ रहे हो लाडले तो परेशान ना हो मेरे भाई बताओ बेटा ब्लैंडर लाडले कई बार पढ़ा रखा है मैंने आपको ब्लंडर बताइए मेरे प्यारे दोस्त बताओ ब्लैंडर क्या होता है बेटा वर्ड क्या आ गया आपके सामने ब्लंडर बड़ा आसान शब्द है यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं बेटा ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक समझ रहे बेटा ब्लंडर यानी कि बेटा एक बहुत बड़ी गलती को बोलते हैं बेटा ब्लंडर एक ऐसी गलती जिसको माफ किया जाना बड़ा मुश्किल है उसे बेटा बोलोगे आप ब्लंडर आप लाडले ब्लंडर के साथ दो क्वेश्चन निकलेंगे क्या कि भाई ये जो ब्लंडर है ये बहुत बड़ी गलती है तो बेटा कभी भी एक तो ब्लंडर के पहले बेटा बिग का यूज नहीं करोगे और एक लाडले इसके साथ में आप कभी भी मिस्टेक का यूज नहीं करोगे गॉट इट बेटा ब्लैंडर के पहले कभी बिक का यूज नहीं होगा ब्लैंडर के बाद में लाडले कभी भी मिस्टेक का यूज नहीं होगा ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चन बनता है तो बेटा एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है लाडले कजिन कजिन के साथ में बेटा कभी भी आप ब्रदर का या फिर सिस्टर का यूज नहीं करोगे इसी प्रकार से बेटा एक हमारा वर्ड बनेगा डेस्पाइट डेस्पाइट का मतलब होता है बेटा इन स्पाइट ऑफ तो बेटा डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाओगे बेटा फ्रंट और बैक लाडले फ्रंट और बैक इन दोनों के साथ में कभी साइड का यूज नहीं कर सकते बेटा हम ठीक है

फ्रंट और बैक है तो बेटा साइड हो ही नहीं सकती हमारे पास कितनी साइड होते केवल दो होते बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड जो इंसान हमारे ठीक सामने है या ठीक पीछे बेटा वहां साइड की जरूरत ही नहीं है वो साइड है ही नहीं तो आप उसे साइड कैसे बोल सकते हो समझ रहे दोस्त तो सारी चीजें क्लियर रखना कभी भी जीवन में किसी का गुड नेम नहीं बोलोगे आप समझ रहे है? कभी भी बेटा आप गुड नेम नहीं बोलोगे केवल नेम बोलोगे आप कभी भी बैड ड्रीम नहीं बोलोगे बैड ड्रीम कुछ नहीं होता नाइट मेयर होता है बेटा क्या होता है लाडले नाइट मेयर आपका हो जाता है समझ रहे टिकट विंडो नहीं बोलोगे टिकट काउंटर होता है लाडले यहां से क्वेश्चन हमारे निकलेंगे तो उस पक्का निकलेंगे गॉट इट तो बेटा मैं पूछ रहा हूं ब्लंडर ब्लंडर का साइनो क्या बनेगा लाडले आपका क्या बनेगा बेटा मिस्टेक बनेगा क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों मिस्टेक बनेगा ब्लंडर का मतलब क्या है मेरे भाई मिस्टेक है बहुत वेरी चिंता है डेंजर है ब्लेमिश यानी किसी पर कलंक लगाना कलंक को क्या बोलते हैं टोंट क्या बोलते हैं बेटा टॉन्ट टोंट का मतलब कलंक ही होता है चलो बेटा शीत लाडले वर्ड क्या है आपका शीत शीत बहुत प्यारा शब्द है लाडले शीत क्या वर्ड है बेटा शीत शीत के जैसे एक वर्ड आता है बेटा शिल्ड एस एच आई ई एल डी शिल्ड शिल्ड का मतलब होता है बेटा रक्षा कवच क्या होता है बेटा रक्षा कवच कवच ठीक है बेटा रक्षा कवच यानी कि यदि तीन चार लोगों का एक समूह बन गया और वो बड़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है और उनके ग्रुप के अंदर ताकत है तो बेटा उस ग्रुप को आप शिल्ड बोल सकते हो

मयान जो ऊपर ऊपर की मयान होती है ना उसको बेटा आप शीत बोलोगे वाट इट जो आपके ऊपर ऊपर का कवर है आपने अक्सर देखा होगा ना राजा महाराजों को यू तलवार रखते हैं इसे और फिर ऐसे पकड़ के से तलवार निकल गई समझ रहे तो जो कवर निकला इसको क्या बोलोगे लाडले शीत लेकिन शीत का अगर शिल्ड कर दिया तो शिल्ड क्या हो जाएगा रक्षा कवच क्या हो जाएगा बेटा रक्षा कवच चलो लाडले जल्दी से और आगे बढ़ो मेरे साथ नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका जेनरी क्या वर्ड आ गया बेटा आपका सामने जेनरी प्यारे बच्चों वर्ड क्या है आपके सामने जेनरी आ गया

Zendikha मतलब होता क्या celebrity. Celebrity होता है बेटा जी एक तरीके की शैली अब शैली को बेटा आप क्या बोलोगे सेलिब्रिटी अरे वाह भाई सेलिब्रिटी सोचो जरा एक बार सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी होता है बेटा बहुत फेमस होता है अब सेलिब्रिटी से मुझे एक वर्ड याद आ गया बड़ा गजब का वर्ड है बेटा सेलिब्रेट सेलिब्रेट जानते हो क्या होता है सेलिब्रेट वर्ड होता है एक होता सेली... बेसी. समझ रहे सेलिबेसी सेली, आ, सेली सेली ठीक है एक सेलिब एक हो गया बेटा आपके सामने सेलिबेट और एक हो गया सेलिबेसी ठीक है इन दोनों का मतलब समझना बेटा इन दोनों का मतलब होता है लाडले अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज यानी कि जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर शादी नहीं करेगा तो उस अवस्था को हम बोलते हैं बेटा सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य और सेलिबेट यानी ब्रह्मचारी ठीक है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा जीवन भर शादी नहीं करेगा उससे हम क्या बोलते हैं सेलिबेट और उसकी अवस्था को क्या बोलोगे बेटा सेलिबेसी क्या बोलोगे लाडले सेलिबेसी ठीक है दोनों का मतलब क्या हो गया अविवाहित व्यक्ति ठीक है इसी के साथ बेटा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन वो हाल फिलहाल में मतलब अभी नहीं हुई लेकिन आगे चल के शादी करेगा जैसे आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग बच्चे कि भाई अभी शादी नहीं हुई लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ज्वाइन करने के बाद ही हम शादी करेंगे तो अभी आप कंवरे हैं तो बेटा कंवरे को हम बोलते हैं बैचलर क्या बोलते हैं लाडलिस्ट सीधी सीधी सी बात है बैचलर ठीक है बैचलर वो इंसान है जिसकी अभी नहीं हुई लेकिन वो करेगा सेलिब्रेट वो है जो पूरा जीवन शादी नहीं करेगा ठीक है दूसरी बात ये तो तो दोनों पुरुषों के लिए शब्द आ गए अगर कोई लड़की है है उसकी अभी शादी शादी नहीं हुई लेकिन वो शादी तो वो करेगी बेटा मेड क्या है लाडले मेड अगर कोई लड़की पूरा जीवन ही शादी नहीं करती तो उसे बोलते बेटा स्पिंस्टर क्या बोलेंगे लाडले हम स्पिंस्टर ठीक है क्या बोलेंगे लाडले स्पिंस्टर स्पिंस्टर का मतलब होता है एन ओल्ड अनमेरिड लेडी एक बुजुर्ग अविवाहित महिला जो पूरा जीवन शादी नहीं करेगी क्या बोलोगे लाडले स्पिनस्टर अभी नहीं हुई लेकिन वो करेगी लड़की शादी उसे बोलोगे मेड जो लड़का अभी शादीशुदा नहीं है लेकिन वो करेगा शादी बैचलर जो पूरा जीवन शादी नहीं करेगा दैट इज सेलिबेसी सेलिबेसी उसकी अवस्था है और बेटा उस इंसान को आप बोलोगे सेलिबेट क्या बोलोगे बेटा सेलिबेट सेलिब्रिटी नहीं बोलोगे सेलिबेट इसी के साथ भैया किसी ने शादी तो कर ली लेकिन उसकी पत्नी गुजर गई तो उसे बोलोगे लाडले विडोवर

तो इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कौन क्यूबिनेज क्या बोलेंगे बेटा कौन गेट मैरिज या विदाउट गेट मैरिड इज सो कॉल्ड कौन क्यूबिनेज ठीक है भैया कौन क्यूबिनेज क्या हो गई एक ऐसी अवस्था जब एक महिला एक पुरुष दोनों तो बिना शादी किए साथ में रहे तो उसे बोलते हैं बेटा कौन क्यूबिनेज लाडले क्या बोलोगे कौन क्यूबिनेज यानी शादी नहीं करिए लेकिन सुख बराबर ले रहे हैं ठीक है जी शादी वाला जो आनंद है वो पूरा चल रहा है इसी के साथ भैया किसी की शादी हो गई लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा महिला हो या पुरुष हो वो फिर भी शादी के बाद पर पुरुष या फिर पर आ, महिला के साथ संबंध बना लेता है जिनको हम बोलते हैं बेटा अवैध संबंध तो बेटा उनको इंग्लिश में बोलते हैं लाडले अडल्ट्री क्या बोलते हैं लाडले एडल्ट्री ए डी यू एल टी आर वाई अडल्ट्री यानी कि अवैध संबंध क्या होगा बेटा अडल्ट्री इट्स मीन अवैध संबंध का मतलब हो -E क्या हो गया बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आर ई एल ए टी आई ओ एन एस एच आई रिलेशनशिप यानी कि अवैध संबंध यानी कि लाडले एडल्ट्री गॉट इट ये क्या हो गए बेटा एडल्ट्री हो गए समझ गए सारे के सारे भी समझ गए लाडले नहीं समझे फिर से सुन लो भैया जिसकी शादी नहीं हुई लड़के की लेकिन करेगा बैचलर पूरा जीवन नहीं करेगा सेलिब्रेट लड़की की नहीं हुई अभी शादी मैड पूरा जीवन नहीं करेगी स्पिस्टर शादी हुई पुरुष की लेकिन पत्नी गुजर गई विडोवर यानी विधुर महिला थी उसकी शादी हुई पति गुजर गया विडो यानी विधवा जिसकी शादी नहीं हुई आनंद पूरा ले रहा है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो है बेटा कौन क्यू बिनेज अडल्ट्री यानी शादी हो गई लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा या फिर बाज नहीं आ रही तो वो हो गई बेटा अडल्ट्री यानी अवैध संबंध अब एक और क्वेश्चन उठेगा आपके मन में आप बोलोगे सर ये बताओ कि जिसकी दो शादी हुई दो शादियों क्या बोलोगे या पहले एक शादी का बताओ क्या बोलते हैं तो बेटा एक शादी करने वाले इंसान को बोलते हैं मोनोगेमिस्ट क्या बोलते हैं लाडले मोनोगेमिस्ट क्या बोलोगे लाडले मोनोगेमिस्ट

सोल्ड पोली एंड्री बेटा क्या बोलोगे पोली एंड्री अब किसी की सपोज करो बेटा पहली पत्नी या पति की हो गई मृत्यु या हत्या जो भी हुई भाई और उसने कर दी दूसरी शादी दूसरी शादी को क्या बोलेंगे ड्यूट्रोगेमी क्या बोलोगे बेटा ड्यूट्रोगेमी उम्मीद करता हूं भाई शादी की इच्छा शादी से रिलेटेड वर्ड सारे सारे क्लियर हो गए होंगे इच्छा तो बराबर रहेगी भाई क्योंकि शादी है एक ऐसा लड्डू जो कोई खा ले सो पचता है और जो ना खाए सो ललचाए मैं कितना भी आपको समझा लूँ कुछ भी आपको कह लूँ आप शादी करेंगे मैं भी करूंगा भाई ऐसी बात नहीं है ठीक है तो बेटा सारी सारी चीजें याद रखना उम्मीद करता हूँ अब जिंदगी में शादी से रिलेटेड वर्ड्स पर फोकस गड़बड़ एक वर्ड और रह गया भाई कि कोई लड़का है कोई लड़की है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर जैसे भी थे अगर कोई लड़का लड़की के साथ या फिर कोई भी कपल शादी करने को उदृष्ट से भाग जाता है भाग कर शादी करता है तो उस भागने को बोलते हैं बेटा इलोप क्या बोलते हैं लाडले इलाप इलॉप का मतलब क्या होगा जब एक पुरुष और एक महिला स्पेशली एक लड़का और लड़की शादी करने के उद्देश्य से सीक्रेटली भाग जाए तो इसे बोलते हैं बेटा इलॉप क्या बोलते हैं बेटा इलॉप अब एक चीज और याद आई भैया करोगे तुम अवैध संबंध अगर मान के चलो गलती से आपने कर लिए तो वहां पे एक ही निष्कर्ष है दैट इज डाइवोर्स आपका डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स होने के बाद जो आप अपनी पत्नी को एक धनराशि देंगे जिससे कि आपकी पत्नी का जीवन यापन अच्छे से हो सके तो उसको बोलते हैं लाडले एलिमनी क्या बोलते हैं बेटा एलिमनी अमाउंट पेड टू हिज वाइफ आफ्टर एलिनी क्या बोलोगे लाडले उसको बोलोगे आप एलिमनी ठीक है मैं नहीं मानता इससे अगर कोई शब्द आया तो आप गलत जीवन में भी करके आओगे नहीं करके आओगे दोस्त इससे ज्यादा मैंने मतलब मानता नहीं कि इतना गहराई से कोई आपको बढ़िया से सिखा पाएगा जो आपको समझ में भी आए गॉट इट बेटा उससे क्या बोलते हैं लाडले आप एलिमनी बोलेंगे चलिए इसी के साथ बेटा जेनरी हो गया जेनरी हो गया बेटा शैली इसी के साथ लाडले कॉमन मैन हो गया कैटेगरी हो गया बताओ बेटा होगा आपका शैली हो गया एक तरीके से लाडले क्या हो गया ढंग हो गया तो आंसर फिल भी लाडले और कैटेगरी आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा कैटेगरी हो जाएगा बात समझ में आ गई चलो मेरे दोस्त खैर ये सारे सारे वर्ड बेटा हमारे क्लियर हो गए अभी मेरे दोस्त मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ये सारी सिलसिला हमारा बराबर इसी प्रकार से चलेगा लेकिन मेरे दोस्त दो मिनट का समय आप सारे बच्चे देना बात क्या बेटा देखो सबसे पहली चीज ये जो बेटा मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त ये जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूं आप सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी चीज सीखो सीखना क्या है बेटा इनका करा करो रोज रिवीजन भाई मुझे इतनी सारी वो कैब्स कैसे याद है कभी तो आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर आप जिस वर्ड को पकड़ते हो इतना गहराई में लेके चले जाते हो तो आखिरकार आपको इतनी सारी चीजें क्यों याद है

आपका एप्लीकेशन इस तरीके का दिखेगा ये होगा बेटा इसका होम होम बटन हूम के बराबर में होगा कम्युनिटी का ऑप्शन ध्यान से सुन लो ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है लेनी बेहद जरूरी है जब तक रिवीजन नहीं करोगे बार बार तब तक बेटा कुछ नहीं हो सकता और आपको पता है एमटीएस इंग्लिश पर टिका हुआ सब्जेक्ट है और इंग्लिश में आपका भाई आपके साथ है लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तो करोगे ना तभी तो मेरे दोस्त अच्छा कर पाओगे आप कम्युनिटी पे जाना कम्युनिटी बेटा जैसे आपने क्लिक किया आपको बेटा ऊपर ऑप्शन दिख जाएंगे फिर सबसे ऊपर बेटा एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शन एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करना यहाँ आपको इंग्लिश शानू सर का ग्रुप मिलेगा ये बेटा फॉलो कर लेना जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करोगे बेटा देखो ये ग्रुप खुल गया ठीक है आपको बेटा इंग्लिश की सारी सारी पीडीएफ बेटा यहाँ मिल जाएंगे समझ रहे यही देखोगे आप इसी पीडीएफ के नीचे नीचे आपको मिल जाएगी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री हंड्रेड वो कैब्स समझ रहे ये वाली बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी सबसे पहली बात तो बेटा ही पीडीएफ सारे बच्चे डाउनलोड करके ही जाओगे आज समझ रहे वादा करो बेटा मेरे से कि सर जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे आज गुरु पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के नाम होता है और आज का दिन बेटा आप मेरे नाम कर दो जो कह रहा हूं बस उतना कर दो सारे बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये पीडीएफ डाउनलोड करो ठीक है रिविजन करके ही आज, आज आपको जो उठना है अपनी सीट से आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं घर में लाइब्रेरी में जहां पे भी रिवीजन किए बिना बेटा उठना नहीं आज आपको ये आप जो मुझे वादा करो बेटा सारे एक सारे बच्चे वादा करो कि सर ये जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हो इनका रिवीजन करके ही हम अपनी सीट से आज उठने वाले हैं पहली बात बेटा दूसरी बात लाड ले आप कोई भी बच्चे अगर आपकी इंग्लिश बेहद कमजोर है या फिर आप भी चाहते हो कि इस बार सपना हंड्रेड साकार हो और हम भी जो अपनी माता पिता का जो सपना है सरकारी नौकरी वाला कि वो हमें सरकारी नौकरी में एक सिक्योर जिंदगी जीता हुआ देखना चाहते हैं तो बेटा आप भी अगर सपना साकार करना चाहते हो तो बेटा ये सारे के सारे हमारे कोर्सेस है जिसमें बेटा अगर इंग्लिश स्पेशल बैच की बात करूं तो आप देख सकते हैं मात्र दो रुपए का बैच है मात्र दो रुपए का इंग्लिश स्पेशल बैच है बेटा इसमें मैं आपसे वादा करता हूं आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला सबसे पहली चीज है बेटा डेली दो घंटे की लाइव क्लास सबसे गजब की चीज एक घंटा वो कैब्स की अलग और बेटा जी एक घंटा आपकी ग्रामर की क्लास अलग हर सैटरडे को बेटा तीन से चार घंटे की क्लास है आपके लिए समझ रहे कहने का मतलब क्या है मैं फिफ्टीन ऑफ अगस्त तक आपका बेटा सिलेबस पूरा करवा दूंगा

मेरी तो रीजनिंग भी कमजोर है मुझे तो सारे सब्जेक्ट सही है तो बेटा देखो ये रहा बैच समझ रहे ये देख सकते हो आप पांच सौ सड़सठ रुपए का है मात्र इसमें बेटा जी अगर आपने डिस्काउंट कोड लगाया इसमें बेटा अगर आपने डिस्काउंट कोड लगाया, लगाया बेटा आपने वाई सेवन नाइनटी फाइव तो देख सकते हो आप ये भी कितना का रह गया आपका केवल पांच सौ इक्कीस रुपए का बेटा जी आपका रह जाएगा समझ रहे बात केवल और केवल बेटा आपका पांच सौ इक्कीस रुपए का रह जाएगा कब जब आप ये डिस्काउंट कोड लगाओगे गॉट इट बात समझ में आ गई बेटा इस तरीके से सा आपकी सारी सारी चीजें बेटा चलनी होंगी वॉट इट उम्मीद करता हूँ बात समझ गए उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप सारी सारी बात समझ चुके हो समझ रहे बेटा इंग्लिश स्पेशल लेना है तो बेटा आप प्रहार टू में आ जाओ मेरी जिम्मेदारी है सारी गारंटी मैं ले रहा हूं ना यार आप अपने भाई पर विश्वास तो करके देखो किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं होने देने का बेटा और आज गुरु पूर्णिमा के दिन वादा कर रहा हूं आपसे कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी करा दूंगा जीवन में कभी किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में दोबारा कभी कोई कोर्स लेना लेना पड़ेगा आपको इंग्लिश का पूरी पूरी जिम्मेदारी बेटा मेरी है जो संभव प्रयास मेरी तरफ से हो सकते हैं उन्हें इतनी ईमानदारी से आपके लिए करूंगा कि हंड्रेड आपके दिल से आवाज आएगी कि हाँ सर वास्तव में आपने मेहनत की है अब बेटा सीधी सी बात तो यार नौकरी आपकी लग जाएगी आप समाज में एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाओगे आप तीस पैंतीस हजार रुपए के इंसान बन जाओगे आपकी समाज में वैल्यू होगी हर कोई आपसे दो, दोस्त दोस्ती करना चाहेगा आपके रिलेशन बढ़िया होंगे समझ रहे दोस्त सारा का सारा बेनिफिट दोस्त आपका है लेकिन डिपेंड किस पे करता है आपके डिसीजन पे आप कमर कस के तैयार हो तैयारी करने के लिए या फिर नहीं हो अभी भी चिंदी चोरी वाली बात करते रहे ऐसी रहे तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता फिर परेशान रहोगे पाँच साल बाद देख लेना आपके रिलेटिव भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे क्यों उन्हें लगेगा कि कहीं पैसे ना मांग ले सबसे मोटी समस्या क्या लगता है जो आदमी कमाता नहीं उससे लगता है कि पैसे ना मांग ले तो इसलिए दोस्त अपनी इज्जत अपने हाथ है तैयारी पे लोगो दो महीने की लड़ाई है केवल दो महीने की आपका भाई क्वालिफाई कराएगा मैं बैठा हूँ पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जुड़ो दोस्त जुड़ते समय ध्यान रखना अपना वही सिंपल सा फंडा वही सेवन नाइनटी फाइव जरूर यूज कर देना ठीक है बेटा जिससे कि आपका मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे मेरे साथ मेरे गाइडेंस में जो पढ़ने को तैयार हो चुके हैं गॉट इट बेटा जी चलो लाडले ठीक है आज क्लास इतनी रहेगी कल मैं फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम सेम जगह तब तक बेटा अच्छे से पढ़ते रहो ध्यान रखो भगवान आपको सद्बुद्धि दे आप एक अच्छे इंसान बने गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा यही आप सभी के लिए जो दोस्तों आशीर्वाद रहेगा मैं प्रभु से आपकी जो है तरक्की की जो बेटा कामना करूंगा ठीक है लाडलो चलो बाय बाय बेटा ध्यान रखना अपना जय हिंद